सो गाइस यहाँ पे हो रही है जन्माष्टमी की डेकोरेशन। हमारे आज कान्हा जी का है बर्थडे, तो उनकी यहाँ पे आने की खुशी में हम लोग थोड़ी सी डेकोरेशन कर रहे हैं और आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गाइस यहाँ पे मैं बना रही हूँ चरणामृत कान्हा जी के लिए, और मैंने बनाया है थोड़ा सा कसार और थोड़ी सी पंजीरी और हरीरा। मैंने रात को ही तैयार करके रख लिया था क्योंकि हमारे यहाँ ये पूजा दिन में हो जाती है 12 बजे, तो मैं सारी तैयारी करके रात को ही रख दी थी। बस थोड़ा सा प्रसाद चरणामृत का और कसारी मैंने सुबह बनाया था, और थोड़ा खाना बनाया है मैंने कान्हा जी के लिए। सो गाइस यहाँ पे हम करा रहे हैं कान्हा जी को स्नान चरणामृत से। यहाँ पे मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिली, तो मेरा बेटा ही सारी पूजा कर रहा है साथ में, क्योंकि हमारे यहाँ ये पूजा जेंट्स ही करते हैं। मैं थोड़ा साथ में उसको बताती जा रही हूँ। सो गाइस आप सब लोग बताना मेरे कान्हा जी आप सबको कैसे लगे। मेरे बहुत ही छोटे से लड्डू गोपाल हैं, बहुत ही मेरे सास के हाथ के हैं ये, बहुत पुराने हैं, तो मैं इन्हीं की पूजा करती आई हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यहाँ पे हमारे यहाँ अग्यारी भी होती है, और ये कलंडर लाते हैं, इसमें हमारे घी की धार छोड़ी जाती है, जो पूतना उल्टी बनी होती है उनके ऊपर सीधी धार होती है, और सब लोग उसको अपने चोटी में बालों में लगाते हैं, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। और सारी पूजा हमारे यहाँ ऐसे ही पूजा होती है, और थोड़ा भोग भी लगाते हैं साथ में। यहाँ पे हमारे यहाँ गणेश जी की, कान्हा जी की, और खाटू श्याम बाबा और बालाजी दरबार सबकी आरतियाँ हो रही हैं।
यहाँ पे हमारे यहाँ लग रहा है भोग सब भगवानों को, और लो आप लोग भी प्रसाद खा लो। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, और सब ठीक ठाक। वेलकम बैक टू माय चैनल देव प्रियंका ऑफिशियल। और आज है जन्माष्टमी, आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कान्हा जी की कृपा हमेशा आप सब पर हमेशा सदैव बनी रहे, कान्हा जी की कृपा। और आज हम लोग ने थोड़ी सी पूजा करी है सुबह, और हमारे यहाँ दिन में ही पूजा हो जाती है, इसलिए हमने दोपहर को पूजा कर ली थी। शाम को भी होती है, लेकिन हमारे यहाँ दोपहर को ही कान्हा जी की पूजा होती है। और मैंने भोग बनाया है, उसमें सारा सामान उमान बनाया है, पूड़ियाँ बनाई हैं, सारा भोग का सामान बनाया है कान्हा जी का। और छोटा सा मैं ये ब्लॉग बनाऊंगी, आप सब मेरे इस ब्लॉग को देखें, बहुत सुंदर ब्लॉग जाने वाला है ये। और कान्हा जी की मैंने एक प्लेट, देखो गाइस, मैंने कान्हा जी के लिए ये भोग बनाया है जो मैं मंदिर ले जा रही हूँ। गाइस, ये हम भोग के लिए मंदिर लेके जा रहे हैं, और आप सब लोग भी मेरे साथ महामंदिर चले, खाटू श्याम मंदिर जा रहे हैं हम लोग। वहाँ कान्हा जी का बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हो रहा है उनके जन्म उत्सव पे, और हम लोग सब तैयार हो गए हैं, हम सब लोग भी जा रहे हैं। और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा पहले ही जा चुके हैं, तो हम और मेरी बेटी जा रहे हैं, और आप लोग सब चलो मेरे साथ मंदिर। सो गाइस, हम लोग पहुंच गए मंदिर, और मंदिर को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था, सारा गोकुल धाम की तरह बनाया गया था यहाँ पे। तो आप लोग भी मेरे साथ पूरे दर्शन करो। गाइस, यहाँ पे 56 भोग लगे थे, तो उसकी ही मैंने एक क्लिप बनाई है, आप लोग देखो आपको कैसी लगी ये क्लिप। तो गाइस, ये भी आ गए थे ड्यूटी से, तो ये मंदिर में इनको टीका लगाने की, सबको तिलक लगाने की सेवा मिली है, तो सारे भगत आए हैं, उनको सबको ये तिलक लगा रहे हैं चंदन का। बहुत सारे भगवानों की झांकियां निकली थी, सब बच्चों ने डांस भी करा था, और बहुत सारे लोग आए थे राधा कृष्ण बन के, उन्होंने भी डांस करा है। यहाँ पे भोले बाबा की झांकी चल रही है, और भी झांकियां मिलेंगी आपको देखने को। अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण
बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो रही थी तो मैं ज़्यादा अच्छे से वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन कभी झांकियां बाहर दिखाई जा रही थी, कभी मंदिर के अंदर, क्योंकि पब्लिक बैठने का नाम ही नहीं ले रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। यहाँ पे मेरी बड़ी बेटी खुशबू भी आई थी और देखो छोटी राधा रानी बना के लाई है खुशी के लिए। सो गाइस, यहाँ पे मटकी फोड़ का ही प्रोग्राम हुआ था, बहुत ही अच्छा। यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। बज गए रात के 12 और यहाँ पे कान्हा जी का जन्म बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया था। भीड़ हो रही थी तो मैं ज़्यादा अच्छे से क्लिप नहीं ले पाई, लेकिन बहुत ही सुंदर तरीके से हुआ था कान्हा जी का जन्म। सब लोगों ने कान्हा जी की आरती करी और खूब सारा डांस भी करा था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। मावे का केक कटा था कान्हा जी का, वही सब लोगों को बांटा जा रहा है। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं भंडारा ऊपर छत पे, और मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। इस ब्लॉग को खूब सारा प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बाय बाय, थैंक यू। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्णदा।